आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम आपसे कुछ मैनेजमेंट के टिप्स साझा करेंगे जो आपको और आपके जीवन को एक सही दिशा देंगे। हनुमान जी भारतीय पुराण शास्त्र के ऐसे देवता हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। उनका आकर्षण 21वीं सदी में भी कम नहीं हुआ है। दरअसल इस दौर में प्रभावशाली बनने के लिए स्किल्स और पावर दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। भारतीय माइथोलॉजी में हनुमान जी इन दोनों चीजों के सोर्स हैं। यही कारण है कि वे हर युग के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि किसी भी उम्र के मोड़ पर और किसी भी पेशे में आपको दोनों में से किसी न किसी स्किल की जरूरत पड़ती ही है। किसी भी बिजनेस की सफलता आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पर निर्भर करती है। हनुमान जी से आप ये मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकते हैं। अपने पर्सनल मैनेजमेंट की बदौलत ही वे संकट मोचन कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कई मौकों पर कहते हैं कि बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना बेहद जरूरी है। मतलब आपको अपनी बात से दूसरों को भरोसा दिलाने में माहिर होना चाहिए। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी का पता लगाने गए। यहाँ उन्हें सीता माता को राम जी का मैसेज देना था, लेकिन वो तो उन्हें जानती ही नहीं थी। हनुमान जी वहां गए और राम जी का संदेश देने में सफल भी हुए। अपने संदेश की प्रमाणिकता के लिए वे राम जी की ओर से दी गई अंगूठी भी साथ ले गए। वास्तव में ये गुड कम्युनिकेशन की निशानी है। अगर वो अपने साथ कोई निशानी नहीं ले गए होते तो क्या सीता माता उनकी बात पर भरोसा कर पाती? अगला है कमांड। In.com के मुताबिक ऐसे लोग ही सुपर सक्सेसफुल बनते हैं जिनकी अपने काम पर कमांड होती है। चलिए हनुमान जी से सीखते हैं कि अपने काम पर कमांड कैसे की जाए। एक कहावत है, अगर आपको लंका जलानी है तो अपनी पूंछ में आग लगानी ही होगी। माता सीता का पता लगाने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इसी पूंछ से लंका को जला दिया, लेकिन इस दौरान विभीषण का घर बचा रहा और खुद को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ये तभी संभव है जब आपका अपने वर्क पर कमांड हो। ये घटना रिस्क मैनेजमेंट को टैकल करने का भी एक अच्छा उदाहरण है। अगला है कॉम्पिटेंसी। वॉरेन बफे के मुताबिक अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप में स्किल ऑफ कॉम्पिटेंस का होना जरूरी है। बिजनेस में बाजीगर बनने का ये पहला फंडा है। जब तक आप में ये भावना नहीं होगी, आप अपने राइवल्स को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि आप आगे बढ़कर खुद ओनरशिप लें और अपने काम को एक टाइम फ्रेम में पूरा करें। लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात थी तो सबसे पहले हनुमान जी आगे आए। यही नहीं, इसे लाने के लिए सिर्फ रात भर का मौका था। उन्होंने इस टाइम फ्रेम में ये करके दिखाया और लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। अगला है डिसिप्लिन। वॉरेन बफे के मुताबिक इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन ने ही उनको सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। हनुमान जी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। हनुमान जी लंका गए, सीता माता का पता लगाया और राम जी का मैसेज भी दिया। हालांकि उनके पास पावर और क्षमता थी कि वे सीता को लेकर वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बस संदेशवाहक के तौर पर अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ अंजाम दिया। वास्तव में पावरफुल होने के बाद भी अपनी ताकत नहीं दिखाना ही अनुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला है लॉयल्टी। किसी कंपनी की सफलता इस बात में निर्भर करती है कि वह अपने ग्राहकों के प्रति कितनी लॉयल है। ये बात हनुमान जी के पूरे कैरेक्टर से सीखी जा सकती है। राम जी के लिए अपनी लॉयल्टी के चलते ही वह आज हिंदुओं के बीच पूजे जाते हैं। उन्हें सबसे बड़े भक्त का खिताब मिला है। उनके कैरेक्टर से आम सैनिक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेशनल्स भी सीख लेते हैं कि किस तरह किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे बिना ही कोई कैसे नाम, सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी कंपनी का CEO हो या फिर किसी कंपनी का CMD।